आप कागज़ का एक बहुत खूबसूरत मकब 6 मुरब्बों से बना सकते हैं। इसके लिए पहले मुरब्बा नुमा कागज़ लें और इसे दरमियान से मोड़कर दरमियानी लकीर बनाएं। फिर इसके दोनों दरवाजे बंद करें जिससे आपको चौथाई लकीरें मिल जाएगी। कागज़ को थोड़ा सा घुमाएं, फिर इसे आधे में मोड़ें, इसे खोलें, फिर इसका निचला कोना तय करें। इसी तरह से दूसरा कोना भी तय करें। इस तरह से आपको मुसलस मुतसावी अज़ला हासिल होगा। फिर इसका इस हिस्से को खोलें, फिर थोड़ा सा त्रिकोण अंदर दाखिल करें, फिर बड़े वाले त्रिकोण को भी अंदर दाखिल कर दें। इसी तरह दूसरी तरफ भी करें। पहले छोटे त्रिकोण को अंदर दाखिल करें, फिर बड़े त्रिकोण को अंदर दाखिल करें। इस तरह से एक जूजंका हासिल होगा। इसे उल्टा करें और इसके दोनों त्रिकोण कान तय कर दें और एक तरफ आपको 4 जेब हासिल होंगी। इसके उल्टी तरफ देखें, बिल्कुल इस तरह के 6 यूनिट बनाएं। अब 2 यूनिट लें, एक के फ्लैप को दूसरी की जेब में दाखिल कर दें। तीसरे वाले यूनिट के फ्लैप को भी जेब में दाखिल करें। सिर्फ इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि हर यूनिट के त्रिकोण कान है और दूसरे की ही जेब में जाएं। कोई भी फ्लैप इस मकब के दरमियान में ना रहे, इस बात का ख्याल रखें। अब ये पांचों यूनिट है जिसको हम फंसा रहे हैं। इसकी जेब को दाखिल किया और दूसरे यूनिट के फ्लैप को इसकी जेब में दाखिल किया। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत इंटरलॉकिंग हो गई और आपका मकब मजबूत भी बनेगा। अब ये आखिरी यूनिट है जिसको अगर आप फंसा देंगे तो एक बिल्कुल बगैर गोंद वाला स्लैप लॉकिंग सेल्फ लॉकिंग क्यूब या मकब बन जाएगा जो बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। इस तरह से आप 3 यूनिट को जोड़कर एक समोसे जैसी शक्ल बना सकते हैं। इसमें भी कोई गोंद दरकार नहीं होता, इसे डबल टेट्रा कहते हैं। फिर लकड़ी में डबल टेट्रा पिरोएं, ये थोड़ा सा ढीला रहे ताकि वो घूम सके। फिर अगर इसमें फूकेंगे तो वो तेज़ी से घूमेगा।